शहडोल जिले में नशे पर लगाम लगाने की नियत से अभियान चलाकर नशे के कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विगत दिनों थाना धनपुरी, बुढ़ार, सुहागपुर, कोतवाली, जैतपुर, जयसिंह नगर, गोहपारू आदि थानों में गांजा, कफ सिरप, नशीली टैबलेट और इंजेक्शन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां की गई हैं। स्थानीय स्तर के मादक द्रव्य विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ समांतर रूप से जलव्यापी गिरोहों और संगठित अपराधियों के संबंध में विशेष अभियान के तहत टीम लगाकर विशेष समग्र रणनीति के अनुसार व्यापक कार्रवाई की कार्य योजना तय की गई थी। इस मुहिम के चलते विगत दो दिवस में शहडोल जिले में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए और इस कार्य में लंबे समय से शातिर तरीके से संलग्न अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। लगभग 2,50,000 का मादक पदार्थ जब्त करते हुए पुलिस ने नशीले पदार्थों के विक्रय के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है। साथ ही गत दिवस कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घरोला मोहल्ला स्थित महावीर ट्रांसपोर्ट के मालिक संदीप जैन के ट्रांसपोर्ट से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से विक्रय के लिए पहुंची नशीली दवाई की खेप जब्त की गई। जबलपुर से शहडोल पहुंची थी। पुलिस को सूचना मिली कि घरोला मोहल्ले में स्थित महावीर ट्रांसपोर्ट के मालिक संदीप जैन के द्वारा अनिल मेडिकल के नाम से बिल्टी बनवाकर नशीली दवा टपारेक्स सिरप लगभग 6 पेटी मंगाई गई है, जो कि अभी दुकान में माल रखा हुआ है। पुलिस से सूचना पर पुलिस द्वारा महावीर ट्रांसपोर्ट जाकर संदीप जैन से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा नशीले पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में अपने संलिप्तता स्वीकार की गई। दुकान की तलाशी में 3 कार्टून में कुल 360 नग टपारेक्स सिरप बरामद हुई। पूछताछ पर संदीप जैन के द्वारा बताया गया है कि जबलपुर से अंकुश यादव से माल लेकर ये अपने ट्रांसपोर्ट से ही उसे शहडोल लाया था। माल मंगाकर उसे दिनांक 17 जून को अनीश शिशिर को दिया है, जिसमें से असद खान का माल अभी नहीं ले गया था। जब्त माल के साथ आरोपी संदीप जैन के बताए अनुसार अनीश शाह निवास पुरानी बस्ती के घर पर रेड की कार्यवाही की गई। अनीश साल से पूछताछ करने पर संदीप जैन के ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नशीली दवाइयां मांगने की बात पाई गई। अनीश शाह के घर की तलाशी लेने पर 2 कार्टून में कुल 240 नग टफरेक्स सिरप की बोतल बरामद हुई। आरोपी अनीस ने बताया कि वो और उसके अन्य साथी असद शिशिर सिंह परिहार महावीर ट्रांसपोर्ट से नशीली दवाइयां मंगाया करते थे। उक्त माल अजय मेडिकल स्टोर के नाम से फर्जी बिल्टी बनाकर संदीप जैन के ही ट्रांसपोर्ट कंपनी जय जिनेन्द्र के द्वारा जबलपुर से शहडोल लाया जाता है। पकड़े गए आरोपी के बताए अनुसार शिशिर सिंह निवासी ईरानी बाग के घर पर रेड कार्रवाई की गई। संदेही शिशिर सिंह के घर तलाशी लेने पर एक सफेद रंग की बोरी में कुल 120 नग टरफेक्स सिरप बरामद की गई। क्या कार्रवाई की गई आज? हमारे पास एक बहुत ही विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कुछ नशीली दवाइयाँ शहडोल जिले में खपाई जा रही हैं। उस सूचना पर हमने एक डेडिकेटेड टीम एडिशनल एसपी शहडोल के नेतृत्व में तैयार की थी, जिसमें इस कंसर्निंग जो SHOs और एक डेडिकेटेड टीम रही। जैसे ही हमारे पास इनपुट आ गया कि सामान जो है जबलपुर से आ गया है, तो हमने रेड की और रेड की तो उस समय हमको वहाँ सामान 6 पेटी आना था, उसकी 3 पेटी हमको वहाँ से जब्त हुई और 3 पेटियाँ उसने डिस्ट्रीब्यूट की थी। उसी सूचना पर हमने जो अन्य आरोपी हैं इसमें अनीश खान, शिशिर परिहार और असद और असद की पत्नी, इनके तीनों ये इंतहार रेड की और रेड करने के बाद हमें अभी तक कुल 9 पेटी टफरेक्स सिरप और इसके अलावा असद के यहाँ जब रेड की गई तो 22 केजी के आसपास गांजा प्राप्त हुआ है। उस पर हमने कार्रवाई की है और पुलिस रिमांड ले रहे हैं। पुलिस रिमांड लेकर इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग हैं उसके लिए पूछताछ की जाएगी और आगे क्या है।